और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ पर 1008 कुंड वाला यज्ञ मंडप। जो बुरे विचार हैं, जो कर्म संस्कारों का बंधन है, गठरी है, उनको स्वाहा करना है। बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। इतना महान यज्ञ जन्म से अभी तक हम नहीं देखे हैं। जय भगवान की, जय सीताराम। दोस्तों नमस्कार, सीताराम आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर रोहतास जिला के नावाडी मुड़ियार में भव्य अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भव्य यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों यहां पर 1008 कुंडीय यज्ञ शुरू हो चुका है। ये रोहतास जिले का सबसे बड़ा यज्ञ दोस्तों, सबसे भव्य यज्ञ है और सबसे महंगा यज्ञ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं 1008 कुंड विशाल यज्ञ मंडप बना है, परिक्रमा भी शुरू हो चुका है और इस यज्ञ मंडप का परिक्रमा करने में आधा घंटा लगता है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार यज्ञ और यहाँ पर भगवत कथा भी शुरू हो चुका है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। एक से एक ज्ञानी महात्मा यहाँ पर प्रवचन देने के लिए, भगवत कथा करने के लिए आए हैं और सुंदर स्वामी जी महाराज जिनके नेतृत्व में यज्ञ हो रहा है, जिन्होंने 4 महीने यहाँ बिता करके चातुर्मास करके ऐसा माहौल बनाया, इस धरती को दिव्य बनाया, पवित्र बनाया कि आज उस यज्ञ का यहाँ पर हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। तो आज यज्ञ के दूसरे दिन, आज 2 नवंबर है, आज हम परिक्रमा भी करेंगे 1008 कुंडीय यज्ञ का, भगवत कथा भी आपको सुनाएंगे, पंडाल में भी लेकर चलेंगे और यहाँ पर बड़ा सा मेला भी लगा है, झूला मेला भी लगा है और शाम को कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है शाम 8 बजे से 11-12 बजे तक, वो भी हम आपको दिखा ही रहे हैं शाम में। और यज्ञ क्या होता है, यज्ञ का रहस्य क्या होता है, आज की यात्रा में हम यह भी आपको बताएंगे। शानदार यात्रा अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की यहाँ पर नावाडी में शुरू करते हैं। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ पर 1008 कुंड वाला यज्ञ मंडप और यहाँ पर परिक्रमा भी शुरू हो रहा है। आप लोग परिक्रमा करने के लिए आए हैं? हाँ। या फिर फोटो सेशन? फोटो परिक्रमा कर लिए, फोटो ले रहे हैं। अच्छा, तो मकसद क्या था यहाँ आने का? फोटो लेना है, भगवान को प्रणाम करने के लिए। अच्छा, कथा सुन लिया आप लोगों ने? नहीं अभी आ रहे हैं। तो कथा भी सुनना चाहिए ना? हाँ, कथा जा रहे हैं। अच्छा, और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 1008 कुंडीय विशाल यज्ञ, यज्ञशाला, यज्ञ मंडप। चलिए यज्ञशाला में चलते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सामने देखिए सोनू भैया भी आ गए हैं। सर सर बताइए, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस यज्ञ में। हम लोग लगे हुए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और यह जो देख रहे हैं ताता, यह भीड़ भाड़, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग चाहेंगे अपने समाज में इस जग से एक संदेश है, इसी तरह हम लोग आपसी भाईचारे प्रेम के साथ इस जग में, जो हम एक जगह बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में बड़ाई छोटाई ऊंच नीच की भावना को छोड़कर, इसी तरह हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी एक साथ रहें ताकि हमारा घर, हमारा देश आगे की ओर बढ़ता रहे और सनातन धर्म आगे की ओर हमारा बढ़ता रहे। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें जिस तरह का दृश्य था, कुटिया था, यज्ञ मंडप था, ऋषि महर्षि तप करते थे, वो दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो गया है। और यहाँ शाम के समय यज्ञ की परिक्रमा शुरू हो चुकी है यज्ञ मंडप की और इतना बड़ा ये यज्ञशाला है कि कम से कम 15 से 20 मिनट आपको घूमने में लग जाएगा। और कम भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण।
दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं अकोढ़ी ग्वाला नावाडीह मुरियार में जो अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा और यज्ञ में भाग लेने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। तो इस खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है। दोस्तों जो घी की आहुतियाँ होती हैं या हवन होता है या मंत्रोच्चार होता है, ये एक कम्प्लीट यज्ञ नहीं है, एक सिंबॉलिक है। यज्ञ क्या मतलब होता है कि हमारे जो बुरे संस्कार हैं, हमारे जो कर्म संस्कार हैं, उनकी आहुतियाँ देना। तो जब हम यज्ञ करें तो हम ये संकल्प लेकर के बैठे हैं, बैठना है कि हमारे मन के जो बुरे संकल्प हैं, जो बुरे विचार हैं, जो कर्म संस्कारों का बंधन है, गठरी हैं, उनको स्वाहा करना है, उनकी आहुतियाँ देना है। तो यहाँ पर जब आप यज्ञ में आइए तो यज्ञ के पूरे रहस्य को समझिए कि यज्ञ केवल यहाँ पर फेरी देना नहीं होता है, यहाँ पर आहुतियाँ देना नहीं होता है, यहाँ पर कथा में समय बिताकर वापस चले जाना नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्मों की शुद्धि हो, हमारे भाव की शुद्धि हो, भावना की शुद्धि हो, हमारे चित्त की शुद्धि हो, हमारे मन के विकार दूर होने चाहिए, हमारे मन के विकार नष्ट होने चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आप यज्ञ में आइए और इसका फायदा उठाइए। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य सत्संग पंडाल। और अभी सत्संग चल रहा है, शाम को 5 बजे तक चलता है, सुबह 10 बजे से लेकर। बिल्कुल सत्संग में लोग भाव विभोर हो गए हैं भजन सुन करके। और दोस्तों यहाँ पर अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में बहुत बड़ा मेला भी लगा है, तो पूरा मेला घूम करके आपको दिखाएंगे। झूला मेला भी लगा है दोस्तों, और यहाँ जग में सबसे ज्यादा भीड़ आपको मेला में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेला घूमने के लिए आते हैं। ये कौन सा मिठाई है? ये है लोहा मिठाई क्वास का। अच्छा, इसका नाम है बेलग्रामी, शुभ नाम है। ये हम लोग का जिला का फेमस है, रोहतास जिला का। रोहतास, ये देखिए यहाँ पर रोहतास जिला का फेमस मिठाई बेलग्रामी आपको मिलेगा जग में। किस चीज का बनता है? बनता है ये बेसन का, बेलग्रास का बनता है। अच्छा, इसीलिए इसको बेलग्रामी कहते हैं। बंद कर दें भाई साहब, मेला देखकर कैसा लगा? यहाँ पर मेला, यहाँ पर यज्ञ है, मंडप है, क्या अनुभव अपना बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ भीड़ है, बिहार में ऐसा मेला कहीं नहीं लगा, पहला बार ही है। और यहाँ के देखिए रहे पॉपुलेशन क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अरे हमको तो पूरा मजा आ गया, हमारे गाँव में अकोढ़ी ग्वाला में इतना बढ़िया यज्ञ हो रहा है, वाह क्या कहना है। और अब हम आ चुके हैं झूला मेला। ये देखिए ब्रेक डांस दोस्तों, और यहाँ पर मेला में छोटे छोटे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए भी झूला लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नावाडीह यज्ञ का मेला, बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, और शाम का नजारा आप देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और शाम का समय है, और शाम में आप देख रहे हैं मेरे पीछे यज्ञ मंडप की परिक्रमा,
अभी यहाँ आए कुछ लोगों से बात करेंगे, तो ये बताइए कि ये जो यज्ञ हो रहा है 1008 कुंडी है, हमें लगता है कि आपके इलाके में ही हो रहा है। हमारे इलाके में इतना महान यज्ञ जन्म से अभी तक हम नहीं देखे हैं, और इतना विधिवत महान यज्ञ हुआ है जो ऐतिहासिक हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। आज हम लोग इतना खुश हैं इस यज्ञ को देख कर, और ये यज्ञ पूरी तरह से सफल यज्ञ हुआ और बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें नहीं लगता है कि इतना महान यज्ञ अब किसी कोई यहाँ पर करा सकता है जितना महान यज्ञ हुआ। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेगा? धर्म में आस्था बढ़ेगी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग की बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, जिससे समाज में बुरा काम या मतलब जितना भी गलत काम है वो करने वालों की संख्या घटेगी, और आने वाले समय में और भी इसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि सभी लोग धर्म से जुड़ेंगे और धर्म में आस्था रखेंगे, जो कि हम लोग का हिंदू धर्म के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये समाज में बदलाव होगा, इसी उद्देश्य के साथ यज्ञ हो रहा है। भाई साहब से बात करें, आप कहाँ से हैं? बगेन से हैं हम। अच्छा, तो ये इस यज्ञ के बारे में बताइए। हमारा अनुभव तो बहुत अद्भुत है, ऐसा यज्ञ हमने कभी लाइफ में नहीं देखा था। अरे अब कह रहे हैं बहुत ऐसा, तो जग हम लोग कहीं देखे नहीं किए आज तक जन्म से पहले, मैंने इतना भव्य जग, आज जग पूरा सफल रहा, मैंने जग बहुत अच्छा है, बहुत दूर दूर से यहाँ आलम आ रहे हैं।